कुछ नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया तो सप्तू साहब की डेथ हो चुकी थी। मेरा फिल्म लगी थी सुरक्षा जून में जी, एंड सप्तू साहब की डेथ हुई अक्टूबर में जी। He couldn't see my first film जी, which he wanted to see on screen. Unfortunately नहीं देख पाए, but ठीक है, होता रहता है सबके साथ ऐसा पीछे। बट एक बार उनके साथ मैंने काम जरूर कर लिया था जी, एंड एक फिल्म बहुत पुरानी आई थी शहीद, जिसमें मनोज कुमार हीरो थे, भगत सिंह जी जी, उसमें मनोज कुमार प्ले कर रहे थे भगत सिंह, एंड सप्रू साहब उनके फादर बने थे। कामनी कौशल जी उस टाइम की टॉप हीरोइन थी और वो मदर का रोल प्ले कर रही थी, और मैं भगत सिंह के छोटे भाई का रोल प्ले किया था। उस टाइम मुझे 9 साल का था, 10 साल का, लुधियाना की जेल में, ओरिजिनल जेल में शूट चल रहा था। तो वहाँ फिर उनको एक सीन था जहाँ फादर मदर भगत सिंह के और भाई जाते हैं जेल में मिलने लास्ट डे पे, तो कोई मिला तो बोले सब्बू साहब आपके बेटे को बना दें हम छोटा, चलो तो मैं अपना वही छोटा सा, उन्होंने जैसे यही सरदारों को बांधते हैं जैसे गुटकी बांध के, उनके साथ उस टाइम काम कर लिया। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। आज आप बैठे हैं रुद्रपुर उत्तराखंड में, और आपकी जो वेब सीरीज आने वाली है रेस, इसके शूटिंग चल रही है, तो रेस में क्या कैरेक्टर है आपका और किस थीम पर ये आधारित है पूरी वेब सीरीज? ये काफ़ी अरसे के बाद एक पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ जी, ज़्यादातर लोग मुझे नेगेटिव रोल में उन्होंने देखा है जी, बट इसमें टोटल हीरो का रोल है। आप हीरो हैं? हाँ। अच्छा, इसमें जो रोल है ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, पंजाब पुलिस क्राइम ब्रांच का टॉप ऑफिसर है, लेकिन ये 10 बार सस्पेंड हो चुका है। अच्छा, क्योंकि ये किसी की सुनता ही नहीं, इसके लिए इसका फर्ज और जो सच्चाई है वही काम करती है जी, और उसके लिए वो किसी की भी सुनता नहीं, न्याय ना कमिश्नर की सुनता है ना नेता, जो अगर नेताओं का कुछ आता है कॉल जी तो उनकी भी सुनता नहीं, फोन उठाता ही नहीं। तो सस्पेंड हुआ हुआ है फिलहाल जब ये कहानी शुरू होती है, और कमिश्नर बुलाते हैं इनको। पंजाब में एक बहुत अच्छे और नेक इंसान, जो एक सरपंच है जिसका नाम मतलब ऐसा है कि उसको देवता मानते हैं जी, उसका मर्डर हो जाता है, और वहाँ ऐसी हलबली मच जाती है कि अगर इसका मर्डर का पता नहीं लगाया जी तो पूरा माहौल ही एकदम, मतलब गांव वाले के आसपास के जितने भी हैं वो मतलब तबाही मचा देंगे ऐसा जी। तो इतना नेक इंसान था। अब ये बोलते कि इसको करना ज़रूरी है कि ये किसने मर्डर किया, उसका खोज करनी बहुत ज़रूरी है। बोलते इसके लिए तो एक ही आदमी है सर जी। सीएम का कॉल आता है, कमिश्नर बोलता है कि उसकी पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, बोलते सर एक ही आदमी इसको सॉल्व कर सकता है, वो ज्ञानी सिंह के बाद। तो उसमें से कई जो छोटे होते हैं मिनिस्टर्स, मैंने बोले नहीं नहीं सर इसको बुलाइए मत, ये पागल है साला। अच्छा, ये इसको मत बुलाओ, दूसरे ऑफिसर्स को दो। कमिश्नर बोलता है अगर आपको सॉल्व सच्ची करना है सर और विद इन टाइम फ्रेम में, तो आपको इसी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने कोई एमएलए कोई ये है सबकी ये मतलब किसी का बेटा इन्वॉल्व था किसी में तो उसको ठोक दिया जी, जो भी गलत काम मतलब करता है तो ये बर्दाश्त ही नहीं करता, ये सीधा मार देता है या अंदर डाल देता है। कोई फ़ोन नहीं सुनता किसी का कुछ, इसलिए ये सस्पेंड होता रहता बार बार। हाँ, तो इतना बड़ा केस हो जाता है कि सीएम बोलता नहीं बुला लो उसको, तो इसको फोन कॉल आता है कि सीएम साहब बुला, मतलब कमिश्नर साहब बुला रहे हैं तो जी जाता है, बोलता है ज्ञानी ऐसा है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और आपको सॉल्व करना है। जैसा तो मेरा क्या फ़ायदा है आप मतलब ऐसे ही सस्पेंडेड, और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं हमारे फोर्स में जो बाय द बुक चलते हैं, तो वो बेहतर होंगे सर, मैं क्या करूँगा। बोलते नहीं
ये विद इन टाइम फ्रेम करना है। तो सर फिर आप तो मेरा जानते ही हैं कि मैं क्या हूँ, फिर मैं सर शायद आपकी भी कॉल नहीं उठाऊँ। एक बार अगर मैंने ये ले लिया, सोच लिया कि ये करना है, करना है, और आप वहाँ भी फ़ोन करके पूछ लीजिए ऊपर, किसी का भी कॉल आएगा तो मैं उठाऊँगा नहीं, फिर काम करेंगे सर। तो कमीशन बोलता है नहीं, ऊपर से आप हमारी को पूरी छूट है जी, लेकिन ये सॉल्व करना ही है मर्डर इसका है। तो ठीक है सर, मेरी फिर मेरी टीम है जिसके साथ मैं निकलता हूँ, वो टीम वाले भी सारे सस्पेंडेड हैं क्योंकि वो इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसा बोल दें कि अगर ये करना है तो अगर वो दूसरे यार ले लो आप, बोले नहीं सर मैं आऊँगा तो अपनी टीम के साथ ही जाऊँगा। तो इस तरीके से ये ऑन हो जाता है और जाते जाते अपना सस्पेंशन लेटर रख देता है जी। तो इसके बाद तो सर फिर से मैं सस्पेंड होने ही वाला हूँ। उन्होंने इनको लेके आना है उधर जी, कैसे भी गिरफ्तार करके मर्डरर्स को निकालना तुम्हारा, तो ये इसका कहानी का बेस है। उसके बाद वो कैसे भागते रहते हैं, पंजाब से निकलते हैं यूपी में आते हैं, यूपी से निकलकर उत्तराखंड में पहले आते हैं, फिर यूपी जाते हैं, फिर राजस्थान जाते हैं, और ये उनको फॉलो करता जा रहा है, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जाने से पहले कुछ मिस होता है जी। तो इसको लगता है कि ये कोई अंदर का ही है अपना, तो ये कैसे फाइंड आउट करता है कि कौन है क्या, वो मिस्ट्री सॉल्व करना ही कहाँ इसको करके फिर अल्टीमेटली तो ये फिर उनको पकड़ता है। सर आप रेस वेब सीरीज कर रहे हैं, इसमें आदि ईरानी जी हैं, वो भी नेगेटिव करेक्टर करते हैं, आप भी नेगेटिव करते हैं। हितेंद्र तेजवानी है हाँ। जो हीरो रह चुका है वो यूपी का कॉप है हाँ। तो जब जब इन लोग मर्डरर्स डिफरेंट स्टेट में जाते हैं तो वहाँ उसको पुलिस वालों को मदद चाहिए होती है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको लोकल पुलिस की मदद लेनी पड़ती है जी बिल्कुल। तो वो कैसे इसको ज्वाइन करते हैं, बोलते हमारा क्या है, आप लोग जाओ ढूंढो ये वो पंजाब से हो ये, लेकिन इसका नाम इतना है पुलिस में, ज्ञानी सिंह ग्रेवाल मतलब सारे जितने होते हैं इसके फैन होते हैं हाँ। तो सर हम ज्वाइन करेंगे लेकिन आप कमिश्नर साहब से बात कर लें जी। फिर ये सारे कमिश्नरों से फ़ोन करवाता है कि सर मेरे को इनकी ज़रूरत है, मेरे को पागलों की ज़रूरत है सर हाँ। जो अपने इसके मास्टर हैं, तो वो यूपी का टॉप कॉप है, वो पागल मेरी तरह, बोलता सर मैं तो बिल्कुल आपकी तरह सर मैं ज्वाइन करूँगा। जैसे अडी ईरानी उत्तराखंड का है, बोलता सर मैं इसका नेटवर्किंग बहुत सॉलिड होता है, तो दूसरे का नाम सजेस्ट करते हैं किसी का, तो बोलता ठीक है। फिर जब इसको देखता है कमिश्नर से बात करते हुए, और सर ये फाइल्स हैं ये, तो सर वो बोलता है सर मेरे को ये आदमी चाहिए। इस तरीके के वो उत्तराखंड यूपी और राजस्थान तीनों के जो कॉप्स हैं जो डेडली हैं, और इसकी टीम बहुत सॉलिड है, एक कंप्यूटर में स्पेशल है, एक उसमें शैकिल, तो मेरी टीम जो पंजाब की है, फिर हम 5-5 मैन आर्मी निकलते हैं और कैसे ये मर्डर सॉल्व करते हैं ये काम। तो सर आदि ईरानी जी भी हैं, आप कह रहे हैं हितेंद्र तेजवानी जी के संग, अभी मेरे को लग रहा है शूट नहीं हुआ होगा, होना होगा, तो आदि ईरानी जी हो गया, शूट हो गई, वो भी हो गया। हितेंद्र का तो पोर्शन भी खत्म हो गया। अमित लेखवानी जी भी हैं, और तो कैसा अमित तजुर्बा जो है वो नेगेटिव है हाँ, वो तो नेगेटिव रोल करते हैं, छत्रसाल और यूपीआई लव स्टोरी कई फिल्में हैं, ये लोग हैं जो मेन लोग हैं। दीपक चड्ढा है हाँ। दीपक चड्ढा का हो गया बहुत अच्छा रोल है इसमें, और अमित तो है ही। तो सर कैसा तजुर्बा रहा इन लोगों के संग काम करके, आपको कैसा फील हुआ? तो मैं न्यूकमर ही हूं। अच्छा, मुझे 42 इयर्स हो गए जी। आदि जी को भी 45 या 44 बता रहे थे वो, मेरे से यंग, बहुत मेरे से लेट आया जी। मेरे अगर 42 होंगे तो आदि के थोड़े कम ही होंगे, ऐसा नहीं है, बट काफ़ी काम कर चुका आदि तो, बहुत काम कर चुका है। बट मेरा क्या है कि आई एम दी ओनली एक्टर इन इंडिया टू डू 13 languages, देर इज़ नो अदर एक्टर, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, भोजपुरी, हरियाणवी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, और दूसरा कोई एक्टर नहीं जिसने इतनी भाषाओं में। तो सर शुरुआत से लेकर जब आप यंग थे उन दिनों से लेकर जब आप बता रहे 42 ईयर हो गया, 42 ईयर आपने नेगेटिव रोल्स लगातार किए हैं, और अब एक पॉजिटिव रोल करने को मौका मिल रहा है, तो कितना डिफरेंशिएशन रहता है दोनों में? पहले स्टार्ट तो मैंने एज ए हीरो ही किया था जी, मेरी पहली फिल्म सुरक्षा थी जी, मिठुन और मैं वो पहला हीरो था, मैं सेकेंड हीरो था जी। उसके बाद कोबरा आई, उसमें भी मैं सेकेंड हीरो जी,
लापरवाही, उसमें भी सेकंड हीरो था। फिर एक दौर चला कि यार एक्शन तेज अच्छा करता है, बॉडी अच्छी है, आंखें नीली हैं, लेकिन तो आंखें नीली वालों को विलन करना चाहिए। अच्छा, ये नेचुरल है आपकी? मेरी नेचुरल है। लोग लेंस लगाते हैं आजकल? लोग बहुत कुछ करते हैं। तो फादर की भी वैसी थी, सप्रू साहब की भी ऐसी थी। तो मैंने बोला एक्टिंग है, नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, आजकल तो सारे हीरो नेगेटिव कर। बिल्कुल। तो सर एक जैसा आपका पर्दे पे ऑरा रहता है कि आप एक नेगेटिव रोल करते हैं, तो जब आप फैंस के बीच में जाते हैं, आम लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या वो डर, वो माहौल है? अभी वो दौर नहीं रहा, पॉजिटिव ले रहे हैं। एक ज़माने में होता था जी, मतलब 30 साल पहले होता था कि जब भी जाओ तो वो डरी, मतलब ऑडियंस में से सुनाई देता था जी, ये विलन है, विलन है, ये वो करके। अभी लोगों को पता है कि पर्दा है, ये सब मेक बिलीव है, कुछ नहीं है। तो उस समय ऐसा मतलब हार्ड में ऐसा आता था कि नहीं यार, हम लोगों के बीच में किस लिए आए थे और कैसा नेगेटिव इमेज बन रहा है? देख ली ना, फादर्स, मेरे फादर 30 साल फिल्म लाइन में थे पहले। अच्छा, तो सप्रू साहब के साथ मैं जाता रहता था, तो सारा कुछ तो देख लिया था ऐसा। तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोले, या आपका प्रोफेशन है और आपको सीधी बात, और हमको पता है कि लाइन है क्या। ये पूरी फैमिली मेरी इन्वॉल्व है, माई मदर वॉज अ हीरोइन, माई फादर वॉज अ हीरो विलन कैरेक्टर एक्टर, मेरी एल्डर सिस्टर है रीमा राकेश नाथ, जिसने पता नहीं सबसे बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, स्टोर साजन उनकी सबसे बड़ी हिट थी जी जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी और राइटर भी हैं। छोटी सिस्टर है प्रीति सप्रू, जो लेजेंड ऑफ पंजाब बोला गया उसको, हीरोइन प्लस फर्स्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर ऑफ पंजाबी फिल्म्स फीमेल। तो हमारी तो लाइन ही ऐसी है, पूरी फैमिली इज इन्वॉल्व। तो सर क्योंकि आपके जितने भी फैमिली वाले हैं सब फिल्म लाइन में थे, कोई राइटर था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर था, आप कह रहे हैं मॉम मेरी एक्ट्रेस थी और पिताजी एक्टर थे, तो कभी जब आपने शुरुआत की तो कभी ऐसा प्रेशर रहा माइंड में कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं मुझे सक्सेस होना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ऐसी है? कुछ नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया तो सप्रू साहब की डेथ हो चुकी थी, और मेरा फिल्म लगी थी सुरक्षा जून में जी, एंड सप्रू साहब की डेथ हुई अक्टूबर में जी। He couldn't see my first film जी, which he wanted to see on screen. Unfortunately नहीं देख पाए, but ठीक है, होता रहता है सबके साथ ऐसा मुझे। बट एक बार उनके साथ मैंने काम जरूर कर लिया था जी, एंड एक फिल्म बहुत पुरानी आई थी शहीद, जिसमें मनोज कुमार हीरो थे भगत सिंह जी जी, तो उसमें मनोज कुमार प्ले कर रहे थे भगत सिंह, एंड सप्रू साहब उनके फादर बने थे, कामनी कौशल जी उस टाइम पे टॉप हीरोइन थी और वो मदर का रोल प्ले कर रही थी, और मैं भगत सिंह के छोटे भाई का रोल प्ले किया था। उस टाइम मुझे 9 साल का था, 10 साल का, तो लुधियाना की जेल में, ओरिजिनल जेल में शूट चल रहा था। तो वहाँ फिर उनको एक सीन था जहाँ फादर मदर भगत सिंह के और भाई जाते हैं जेल में मिलने लास्ट डे पे, तो उनको मिला तो बोले सब्बू साहब आपके बेटे को बना दें हम छोटा, चलो तो मैं अपना वही छोटा सा, उन्होंने जैसे यंग सरदारों को बांधते ना ऐसे गुट्ठी ये वो बांध के, तो उनके साथ उस टाइम काम कर लिया। तो अभी सर जो फ्यूचर प्लान्स हैं क्या क्या हैं, कुछ वेब सीरीज इसके अलावा और भी कुछ होगा, वेब सीरीज फिल्में या कुछ? फिल्में मैंने हिंदी फिल्म बहुत अरसे से नहीं की जी, जो टेलीविज़न में जो मुझे रोल्स मिल रहे हैं वो अमेजिंग, जो मैं चाहता था करना जी, क्योंकि यंग विलन विलन अमरीश, नहीं अमरीश जी के फादर, चल दे 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 दो चाय दे दो, अमरीश जी के फादर मतलब मेरे फादर का रोल, प्रेम चोपड़ा मेरे फादर वो चलता था उनके साथ, 15-15, 20-20 फिल्में की हैं सन। फिर उसके बाद एक दौर आ गया जहाँ अनुपम खेर का भी बेटा, उन लोग थोड़ी वाइट विग लगा लेते थे, उसके बाद आया शक्ति कपूर का बेटा, गुलशन ग्रोवर का बेटा, मतलब जो मेरे हम उम्र हैं उनका बेटे का रोल, क्यों तेज सप्रू एक्शन बहुत अच्छा करता है यार। मैंने डिसाइड किया अब रोल करूँगा तो फादर की रोल करूँगा, और उसमें एक्शन करना है तो मैं कभी डुप्लीकेट यूज़ नहीं करता जी, सारा एक्शन खुद ही करता था, पता नहीं कितने 100 क्या 1000 कर लिए होंगे एक्शन सीक्वेंस। तो वो डिसाइड किया मैंने कि अब रोल करूँगा तो फादर के करूँगा हिंदी फिल्म में, नहीं तो मुझे टेलीविजन में नहीं, तो ऐसे एक सीरियल क्या वजह रही कि मतलब स्टेबल होना चाहते थे कि आपके फादर का ही रोल करूँगा अदर कुछ नहीं? फादर का ही रोल करना भी मेरी एज में सीनियर सिटीजन में क्या करूँ,
फिर से वो एक्शन यंग विग लगा के वो मजा नहीं आएगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा अभी जो भी। हालांकि अगर मैंने अभी एक और वेब सीरीज करके आया हूँ रोहतक सिस्टर्स, वो भी ओरिजिनल स्टोरी पे, रियल स्टोरी पे, उनकी वो जो बहनें अभी भी 220 में जेल में गई हैं, सो उसमें किया है, एक एसीपी का रोल किया है, बट उसमें मेरे जैसे जो विग लगा के किया है कोई बोल भी नहीं सकता कि ये 50 भी है, ऐसा है। अच्छा सर, इस समय वेब सीरीज का कल्चर आ गया है, फिल्में अपनी जगह है, टेलीविज़न अपनी जगह है, पूरी दुनिया इस पे शिफ्ट हो गई है। देता हूं कि फिल्म फिल्म है जी, वो वेब सीरीज का जगह तो कभी नहीं ले पाएगी। बट कोविड के दौरान जब कुछ नहीं था, डेढ़ साल बंद थी इंडस्ट्री में, जी जी, तब इन्होंने पिकअप किया, लेकिन अच्छा हुआ कि आया क्योंकि बहुत एक्टरों को चांस मिला है और बहुत कंटेंट आया है। हालांकि थोड़ा सा एक मुझे जो लगता है कि अगर इसमें से थोड़ी सी जो न्यूडिटी, थोड़ी सी गंदगी जो है, गंदगी नहीं बोल सकते एक्चुअली, देखिए ये तो होता है, इंटीमेसी नहीं कि नहीं होता है, इंटीमेसी वगैरह, लेकिन हम लोग पर्दे पे नहीं दिखाते थे क्योंकि हर जगह, हर सिटी, हर मोहल्ले, सब जगह होता ही। लेकिन हम जो कंटेंट दिखा रहे हैं उसमें क्या होगा, हमको इतना दिमाग में रखना है कि हो सकता है कि पूरी फैमिली बैठ के देख रही है। जी जी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाओ, आप दिखाओ, लेकिन एक तरीका है, एक लिमिट तक करके उसको आप छोड़ दो तो बेहतर होगा, ताकि लोग सारे देखें। नहीं, मेरा हॉटस्टार पे लगा वो दिल बेकरार चल रहा है, जिसमें राज बब्बर और पूनम ढिल्लो एक साइड है, उनकी 5 बेटी, मैं और सोनाली सचदेव हैं मेरे 3 बेटे, मेरा बेटा अक्षय ओबरॉय हीरो है, उसकी बेटी सहर बांबा वो हीरोइन है। इतनी ब्यूटीफुल 1980 की कहानी है वो, और अभी करंटली लगी है 4 तारीख को अनदेखी सीजन 2। वो पहला सीजन का बहुत हिट हुआ था, इस सीजन में, सेकंड सीजन में मेरी एंट्री है, तो उसमें आप देखेंगे टोटल डिफरेंट रोल है। तो है एक्टिंग, एक्टिंग ही आप सीरियल करो तो ये है, बट सीरियल में थोड़ी सी बंदिश हो जाती है कि आप जैसे एक सीरियल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको वहाँ रहना पड़ता है, इन्वॉल्वमेंट। बट मेरा हमेशा रहा, अभी मेरे जितने सीरियल लगे हैं सारे हिट हैं। इस सबसे अभी जो लास्ट मैंने सीरियल किया था वो दिल से दिल तक था, इसमें सिद्धार्थ शुक्ला, उसकी डेथ हो गई कि अभी वो बिग बॉस भी कर रहे थे, रश्मि सब थे उसमें। उससे पहले की सम्राट अशोक कलर्स पे, वो भी बहुत बड़ा हिट था। उसके पहले आई फिर कबूल है जी टीवी पे, वन ऑफ माई बेस्ट रोल्स, यहाँ एक जो हीरोइन है अपने फादर को ढूंढने आई है। उससे पहले आई चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके लिए मैंने ये किया था, तो उसमें अमात्य राक्षस था मैं। तो सीरियल्स में मेरे को केसरिया बाला माओ हमारे देश, राजस्थान का सीरियल था, सुपर रोल्स, तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ। और साउथ में तो मेरे को जो भी मिला है सब सुपर रोल्स मिले। एक अभी डब होके चलती है फिल्म प्रभास, जो हीरो था बाहुबली का, उससे पहले लगी थी द रिबेल, तो उसमें हीरोइन के फादर का रोल था, मुन्ना नानू भाई का। कर लिया सब कुछ, अभी कर रहे हैं, जो भी मेरे लिए काम काम है, काम अब यही है, मेरा रोल अच्छा होता है तो मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ इधर उधर बिजनेस वगैरह भी है? एक पेट्रोल पंप है मेरा गुड़गांव में, डीलरशिप है हमारी, बोले तो दिल्ली, दिल्ली नहीं गुड़गांव, हरियाणा में, हाँ दिल्ली के आसपास ही, तो वहाँ BPCL का एक, भारत पेट्रोलियम का एक पंप है। उसके अलावा जो मेरा ब्रदर छोटा चलाता है, सारे लोग मैनेज करते हैं, अभी मैं यहाँ से वहीं जाऊँगा। तो बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं अभी? मेरे बच्चे नहीं, एक भी नहीं, बच्चे नहीं, पत्नी है अभी? बिल्कुल है, 33 साल से एक ही पत्नी है, दूसरी नहीं की। ये जवाब परफेक्ट था, 33 साल से एक ही है। तो अभी जो आप अभी बॉम्बे रहते हैं परमानेंट या बॉम्बे? बॉम्बे, तो यहाँ कभी कभी आता हूँ गुड़गांव, जब पंप के बारे में देखना होता है। मंथली आई जाता हूँ, मंथ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आया तो 2-3 महीना नहीं आया, क्योंकि छोटा भाई तो है वहाँ। अच्छा, देख रहा है, वहाँ भी घर है गुड़गांव में एक। सर सारी जन्म आपकी जान ली, एक जो मैं आ रहा था तो कुछ लोगों का सवाल था कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, पिताजी का शुरू से ही एक्टर थे और सारी चीज़ों का क्या रहा? हम लोग कश्मीरी पंडित हैं। अब कश्मीर फाइल्स जो आई है बहुत, वो जो कहानी है 90 वाली, वही वाली, हाँ कश्मीर मतलब कश्मीर, हाँ हम लोग कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन दादा और
ग्रैंडफादर थे जम्मू कश्मीर में, तो श्रीनगर से जो महाराजा हरी सिंह थे उनके ट्रेजरर रहे मेरे ग्रैंडफादर। फिर उसके बाद वहाँ से जम्मू से लाहौर चले गए थे, पार्टीशन से जब होने वाला था उससे पहले फिर आ गए थे। फिर सप्रू साहब वहाँ होशियारपुर में PWD में थे, वहाँ से वो करते करते नीचे आए। फिर प्रभात स्टूडियोज था उस टाइम का टॉप, जो भी फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पूना में, वहाँ फिर उनको एज ए हीरो लिया, तो वहाँ से उनका करियर शुरू हुआ। मेरी पैदाइश तो बॉम्बे की है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, एजुकेटेड इन बॉम्बे। बेसिकली स्पोर्ट्समैन था मैं, महाराष्ट्र स्टेट जूनियर बैडमिंटन चैंपियन, देन आई प्लेड क्रिकेट फॉर बॉम्बे, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, विजय मोहन राज, राहुल मनकट, ये सब जो बाद में काफ़ी उन्होंने अपना नाम बनाया। फिर एक दौर था कि फादर से पैसे नहीं मांगने, तो कॉलेज में मैंने मॉर्निंग कॉलेज कर लिया था। तो कॉलेज में क्या किया आपने, क्या कोर्स किया? मैंने ग्रेजुएशन की है, बीए, बीकॉम, क्या? बीए। अच्छा, बीए। क्योंकि ग्रेजुएशन कर ली गए बेसिकली स्पोर्ट्स में, और अल्टीमेटली दिमाग में ये था कि आना तो फिल्म लाइन में है। हाँ, क्योंकि फैमिली का था कि चलो यार एक ग्रेजुएशन करके आते हैं, तब तक ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। और उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया एज अ कैशियर, जो कैश देते हैं, कैश देते, लेकिन हम लोग को स्पोर्ट्स कैटेगरी में लेते थे कि जो स्पोर्ट्समैन था उसकी कैटेगरी अलग थी, उसको नाम डेजिग्नेशन कैशियर था, बट ऊपर वोल्ट में 100 रुपीस के बंडल बना के या 10 के बंडल, जो भी 100 का बंडल बना के उसको गिन के चेक करके स्टेपल करके देना बस। अच्छा, फिर 1-1.5 बजे ट्रेनिंग के लिए हम लोग चले जाते थे, तो हम लोग को बहुत छूट थी। अच्छा, तो मतलब पैसा गिन के और स्टेपल करना, 100 गिना, बंडल बनाया, साइन किया कि 100 है, और उस तरीके से था। फिर 1 बजे निकल जाते थे ट्रेनिंग के लिए, 3:30-4 बजे से ट्रेनिंग शुरू होती थी शाम तक, ये सिलसिला चलता रहा। बिकॉज बहुत से, जैसे ये मेरा ख्याल है सुनील गवास्कर जो है क्रिकेटर, हाँ, निर्लोन में थे वो, ऐसे ही बहुत लोग टॉप के उस टाइम के क्रिकेटर्स या बैडमिंटन प्लेयर्स, ये वो सब कोई ना कोई टाटा ले लेता था, कोई ये ले लेता था, किसी ना किसी कंपनी में ACC में ज्वाइन कर लिया, तो उनको एज ए स्पोर्ट्स कैटेगरी में वहाँ एक डेजिग्नेशन मिलती थी, और उनका बिजनेस वही था स्पोर्ट्स। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। जितनी भी आपने जर्नी बताई, मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं काफ़ी मोटिवेट होंगे। सर, चैनल है मेरा फिल्मी चाणक्य, इसमें जो दर्शक हैं सारी फिल्म लाइन के लोग जो इस लाइन में आना चाहते होंगे, मेरे को लगता है वही देखते होंगे, इसके अलावा अदर लोग को तो कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। तो जो नए बच्चे हैं सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है, राय मशवरा आपका? जो दर्शक इनको देखते हैं, देखना चाहते हैं और फिल्मों में आना चाहते हैं, कोई भी कैटेगरी हो, सॉन्ग्स हो, गाना हो, डांस हो, एज एन एक्टिंग करना चाहते हैं, एक चीज़ है कि आप मेहनत करते रहें बस। तकदीर का कोई भरोसा नहीं होता, कौन कहाँ से उठ के कहाँ चला जाता है, तो अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो आप ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन मेहनत जो है वो एक ही बेस ही है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसे पूरा जी जान से पूरा लगा के अपनी, और करते रहिए। अपॉर्चुनिटी कब आएगी आपको पता नहीं चलेगा, तो जब भी आप सोच के करें कि इसमें मुझे करना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करते रहें। आजकल आपको प्रिपेयर करके आना पड़ेगा, और ये जो टैलेंट है, वेदर सिंगिंग है, वेदर डांसिंग है, वेदर एक्टिंग है, इसका कोई अंत नहीं है। इसका जैसे होता है ना, मैंने MA कर लिया ही, मैं हो गया हूँ, नहीं, पैरामीटर ये ऐसी फील्ड है, ये जितना आप करेंगे उतना आपको लगेगा कम, तो उसमें मेहनत करते जाइए। और आजकल तो इतनी फील्ड्स ओपन हो चुकी हैं, आप इतने शोज आते हैं, बच्चों के आते हैं, ये है, और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, पहले उतनी थी नहीं, तो अभी तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी खुल गई हैं, तो बस आप मेहनत करते जाइए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे तेज सापरू साहब, विलन का करेक्टर करते थे पहले, लेकिन अब स्टेबल हो गए हैं, कहते हैं पिता का करेक्टर करना है। पूरा इंटरव्यू मोटिवेशन भरा है, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलता हूँ किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ मिनट।